फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करूंगी फेमस प्रोडक्ट वी वॉश के बारे में, जिसे बहुत सारी फीमेल्स यूज़ करती हैं वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। सबको ये लगता है कि इससे वेजाइनल इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, क्या ये बात सच में सही है? हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ वी वॉश के बारे में, जिसे फीमेल अपने वेजाइनल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, वेजाइनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए यूज़ करती हैं। क्या हमें इसे सच में ज़रूरत है? बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि वी वॉश के बारे में मैं कुछ बताऊं। काफ़ी रिसर्च की मैंने इसके बारे में, तब मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में पूरा कवर करूँगी कि वी वॉश को हमें यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस समय किस टाइम यूज़ करना चाहिए, क्या हमें इसे डॉक्टर की सलाह से यूज़ करना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ये किस तरह हमारी हेल्प करता है। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि फीमेल इंटीमेट एरिया के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ। चलिए फिर अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी वॉश एक इंटीमेट वॉश है, जिसे कंपनी ने फीमेल प्राइवेट एरिया की साफ सफाई हाइजीन मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। 100 ml की बोतल 180 रुपये की आती है, 200 ml में भी आपको मिल जाएगी। इसका pH बैलेंस होता है 3.5। कंपनी का यह दावा है कि वेजाइनल pH बैलेंस को मेंटेन रखता है, जो कि 3.5 टू 4.5 होता है, जिससे वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होता। ये वेजाइना की हाइजीन को मेंटेन करता है। क्या सच में ऐसा है कि वेजाइना के इन्फेक्शन को रोकता है? आज की वीडियो में ये सारी बातें पूरी तरह विस्तार में करने वाले हैं, इस बारे में हम बात करें। उससे पहले वेजाइना की फिजियोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। वेजाइना का जो पार्ट ऊपर से दिखाई देता है उसे वेजाइना नहीं कहते, वल्वा कहते हैं, और वल्वा से लेकर यूट्रस तक का पार्ट जो होता है उसे हम वेजाइना कहते हैं, जिसका pH बैलेंस होता है 3.5 टू 4.5, जो कि पूरी तरह से एसिडिक है। इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम लैक्टोबैसिल्स कहते हैं। ये लैक्टिक एसिड निकालते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी बाहर के बैड बैक्टीरिया वेजाइना में एंटर करते हैं उसको ये मारने का काम करते हैं, वेजाइना की साफ सफाई का काम करते हैं, वेजाइना को की हाइजीन को मेंटेन करके रखते हैं। कंपनी का दावा है कि ये वेजाइना के pH बैलेंस को मेंटेन रखती है, पर जब हम इस तरह के वॉशेज अपनी वॉशेज यूज़ करते हैं वेजाइना में, तो वेजाइना का pH बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे वेजाइना की साफ़ सफाई पर भी असर पड़ता है। बल्वा जो ऊपरी पार्ट होता है उसकी साफ़ सफाई की हमें ज़रूरत होती है, उसे हमें उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे हम और बॉडी पार्ट को ट्रीट करते हैं, अपने हाथ को ट्रीट करते हैं, अपने पैर को ट्रीट करते हैं। फ्रेंड्स, उसी तरह से आप जो भी साबुन यूज़ करते हो जिसमें केमिकल कम हो, उस साबुन से आप उसकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। एक बात आप ज़रूर पूछेंगे कि जब हम इसे यूज़ नहीं कर सकते तो बहुत सारे डॉक्टर इसे हमें क्यों लिखते हैं? इस बात के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जब हमारे पेट में इन्फेक्शन होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए वो हमें दवाई लिखते हैं। ठीक इसी तरह से जब बाहर का कोई इन्फेक्शन हमारी वेजाइना में लग जाता है और जिसकी साफ़ सफाई pH बैलेंस उसका ख़राब हो जाता है, तब डॉक्टर हमें इस तरह के वॉशेस लिखते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं। हमें इसे रेगुलर यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यदि आप यूज़ कर भी रहे हैं तो आप केवल वल्वा की सफाई कीजिए, इससे वेजाइना की सफाई नहीं कीजिए। ये इंटीमेट वॉश नहीं है, ये हमारे pH बैलेंस को भी मेंटेन करके नहीं रखता, इसलिए कंपनी का ये दावा बेकार है। आप इस तरह के वॉशेस पर अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए। वल्वा की सफाई हम नॉर्मल पानी में 2-3 ड्रॉप डिटॉल की डालकर भी कर सकते हैं। आप कम केमिकल वाले साबुन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप पानी में ट्रीटी ऑयल डालकर भी उसकी सफाई कर सकते हैं, क्योंकि वेजाइना खुद ही अपनी सफाई करता रहता है, हाइजीन मेंटेन करके रखता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो भी पार्ट होते हैं उनकी हम साफ सफाई नहीं करते, वो अपनी क्लीनिंग खुद ही करते रहते हैं। वेजाइना भी हमारा सेल्फ क्लीनिंग पार्ट है, इसके लिए वी वॉशेज या किसी भी तरह के इंटीमेट वॉशेज की ज़रूरत नहीं है। कंपनियाँ पागल बना रही हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है कि वेजाइनल इन्फेक्शन को रोकने में वी वॉश या कोई भी इंटीमेट वॉश का यूज़ करने से वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं रुकता। हमें अपनी हाइजीन खुद ही मेंटेन करनी पड़ती है। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, यदि इस बारे में डिटेल से बात करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगी। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, हमेशा कॉटन फैब्रिक को ही यूज़ करना है।
कॉटन फैब्रिक को यूज़ करने से हमारी स्किन को सांस लेने में हेल्प मिलती है। इसके यदि हम सिंथेटिक फैब्रिक का यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन पे मॉइस्चर आ जाता है, जिससे इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये आरामदायक भी नहीं होते। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा पीरियड्स के दिनों में अपने पैर चेंज करते रहें, साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाती है और बाहर के इन्फेक्शन वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने पैड्स को समय समय पर चेंज करते रहें। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, हमेशा पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करते समय साफ़ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छी तरह जब भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो वेजाइना को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से ही, जिससे यदि वहाँ कोई बैक्टीरिया होंगे तो उसकी इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। जहाँ तक हो कि टॉयलेट सीट को टच ना करें जहाँ तक पॉसिबल हो, और एक बार फ्लश जरूर चला दें टॉयलेट सीट को यूज़ करने से पहले। आज की वीडियो इंटीमेट वॉशेस के लिए थी कि किस तरह से ये कंपनियाँ हमें बेवकूफ़ बना रही हैं कि इसको यूज़ करने से वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होता, वेजाइनल हाइजीन मेंटेन रहती है, पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी फीमेल इसको यूज़ करती हैं, मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। मैंने काफ़ी रिसर्च करके वीडियो बनाई है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बात का सपोर्ट भी करते हैं कि वी वॉश यूज़ करने से वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होता, हाइजीन मेंटेन रहती है। मुझे नहीं पता उन्होंने किस हिसाब से बनाई है। मैंने ये वीडियो एक दो गायनोलॉजिस्ट से पूछ कर बनाई है, उनसे बात कर कर बनाई है और काफ़ी रिसर्च करके बनाई है। मैं इस तरह के वॉशेस का यूज़ कभी भी नहीं करती हूँ। यदि आप मेरी बात से एग्री हैं, डिसएग्री हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।